What does the graph say? Good morning friends, welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 23 अप्रैल 2020 थर्सडे है, सुबह के 8:43 हो रहे हैं। थर्सडे है, वीकली एक्सपायरी का दिन है निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स का, तो काफ़ी वोलेटाइल मार्केट हमें देखने को मिल सकता है, तो वो थोड़ा कॉशियस रहना होगा ट्रेडिंग करते वक्त। कल हमने देखा निफ्टी में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली, जो रिलायंस और फेसबुक का जो डील हो चुका है, तो उसके मद्देनज़र कल रिलायंस और पूरी तरह से निफ्टी इंडेक्स में भी काफ़ी तेज़ी देखने को मिली। तो आज निफ्टी में क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 22 अप्रैल आफ्टर मार्केट आज ये पिक्चर लिया हुआ है। कल का अगर आपको वीडियो देखना है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 9047 और ब्रेक डाउन लेवल बन रहा था 8910। तो जैसे कि आप देख रहे हैं निफ्टी इंडेक्स ये जो दो लेवल्स थे इसके बीच में ओपन हुआ, और जैसे ही टूवर्ड्स ये नॉर्थ की तरफ बढ़ा तो हमारा ब्रेकआउट लेवल ब्रेक होने के बाद फर्स्ट टारगेट 9079 ये यहाँ पर अचीव हुआ, और सेकंड टारगेट 9112 ये भी यहाँ पर अचीव हुआ। तो काफ़ी देर इस सेकेंड टारगेट के पास इस लेवल को ये पेनिट्रेट कर रहा था, यहाँ पर एक पॉज लिया था, और इसको भी ब्रेक करने के बाद ये और भी टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ ये मूव हुआ। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो ऑलमोस्ट 43 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 32,250 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार में ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली, नासडैक भी करीब 232 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ, यूरोपियन मार्केट्स भी हरे निशान में कल बंद होते हुए नजर आए। आज एशियाई बाजार ओपन हो चुके, तो एसजीएक्स निफ्टी में थोड़ा सा मिला जुला कारोबार देखने को मिल रहा है। जापानीज इंडेक्स 128 पॉइंट की बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। डाउ फ्यूचर को देखें तो अभी इस समय 82 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल बाजार से जो पॉजिटिव संकेत है, हालांकि अभी एशियाई बाजार में थोड़ा सा एक मिला जुला कारोबार इस समय देखने को मिल रहा है। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट से शुरू करेंगे। डेली चार्ट को अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 20 ईएमए के पास ट्रेड हो रहा था। 20 ईएमए एज अ सपोर्ट का काम कर सकता है। ये जो लेवल है पिंक लाइन, ये 9000 के ऑलमोस्ट अराउंड है, तो 9000 के आसपास एक सपोर्ट बन रहा था, साइकोलॉजिकल लेवल भी बन रहा था 9000। तो यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स 9000 के ऊपर क्लोज देना ये एक पॉजिटिव साइन है। हालांकि अगर आज भी ये इसके ऊपर सस्टेन करता है, और ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल था जहाँ से इसने ये करेक्शन दिखाया है 9390, इसके ऊपर अगर चला जाता है तो फिर हमें 50 ईएमए यानी ये ऑलमोस्ट 9970 यानी 10000 के करीब निफ्टी इंडेक्स फिर से पहुँचता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि आरएसआई को नीचे देखे तो जहाँ पर इसने ये हेड एंड शोल्डर ये पैटर्न बनाया था, अगर आप हमें कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न को आइडेंटिफाई किया था, तो ये मिड लाइन के लेवल के पास बना था। ये जो मिड लाइन है 50 का आरएसआई का, इसी लेवल के पास अभी फिर से एक बार ये निफ्टी इंडेक्स आ चुका है। तो अगर यहाँ से ये इसको ब्रेक करता है और ऊपर की तरफ ये चला जाता है तो हमें यहाँ से बाइंग और भी टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ निफ्टी को लेके जा सकती है। हालांकि इस मिड लाइन को अगर ये फिर से रेजिस्टेंस फेस करता है और ऐसे डबल टॉप यहाँ पर फॉर्मेशन बन जाता है और नेक लाइन का हमें ब्रेकआउट मिल जाए, ब्रेकडाउन मिलता है, तो और भी फिर से निफ्टी इंडेक्स टूवर्ड साउथ की तरफ हमें यहाँ से मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि जब तक 20 ईएमए को रिस्पेक्ट करता है चांसेस है कि निफ्टी इंडेक्स और टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़े। अगर 20 ईएमए को फिर से एक बार टूवर्ड साउथ की तरफ ब्रेक करता है तो यहाँ से पैनिक मूव और हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये डेली चार्ट का सिनेरियो। 60 मिनट के चार्ट में चलते इंट्राडे लेवल्स को देखते हैं आज क्या हो सकते हैं। निफ्टी इंडेक्स अगर ये जो लेवल है ये लेवल ब्रेकआउट के लिए 9231, जहाँ पर हमने देखा पास्ट में इसने रेजिस्टेंस का काम किया है और अभी दो दिन पहले ये सपोर्ट का काम कर रहा था, इसी लेवल के पास आके ये पेनेट्रेट हो रहा था, तो ये जो लेवल है तो काफ़ी ये क्रूशियल हो सकता है। अगर इस लेवल के ऊपर यानी ये हमारा ब्रेकआउट लेवल हो सकता है 9231, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 9272।
ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा 9322, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करता है तो ये जो पिवट पॉइंट का लेवल है इसके नीचे तुरंत ये 20 EMA का पिंक लाइन है, तो इसको कंप्लीटली ब्रेक होने दीजिए। अगर ब्रेक करता है तो जहाँ से पास्ट में एक सपोर्ट 2 दिन पहले इसने टेस्ट करके एक बाउंस बैक दिखाया था, तो इस लेवल को सपोर्ट भी ये टेस्ट करके फिर से बाउंस बैक दिखा सकता है। तो इस लेवल को यानी 9089 को अगर ब्रेक करता है तो ये इंट्राडे के लिए हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 9055, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा हमारा यहाँ पर ये जो पिवट पॉइंट का इस जोन का लेवल है यानी 9019, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी के लिए आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें आपके दोस्तों के साथ भी, इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, 5paisa है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में।